रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना ने रूसी शहर बेलगोरोड पर कई हमले किए हैं और हाल ही में यूक्रेन पर रूस के इल्यूशन 76 एयरक्राफ्ट को मार गिराने का आरोप लगा था और इस प्लेन में 65 यूक्रेनी युद्धबंदी मिलाकर कुल 74 लोग सवार थे। हालांकि यूक्रेन ने इस प्लेन को उड़ाने के आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन ये पहला मामला नहीं था जब यूक्रेन पर रूस के भीतर हमले कराने का आरोप लगा हो। और अब इसी कड़ी में यूक्रेन पर एक ऐसा आरोप लगा है जिससे राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल जॉर्जिया की स्टेट सिक्योरिटी सर्विस ने विस्फोटकों का एक जत्था पकड़ा है। ये विस्फोटक तीसरे देश जॉर्जिया के जरिए रूस भेजा जा रहा था। जॉर्जिया की स्टेट सिक्योरिटी सर्विस का कहना है कि एक गैर कानूनी कार्गो जिसमें 6 विस्फोटक डिवाइस थे जिनका वजन 14 किलोग्राम था, उन्हें यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से भेजा गया था और जॉर्जिया में ये विस्फोटक एक छोटी गाड़ी में रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की होते हुए 19 जनवरी 2024 को लाए गए थे। एक वाहन की तलाशी के दौरान एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी के भीतर ये विस्फोटक छुपा कर भेजे जा रहे थे। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जॉर्जिया की एजेंसी ने कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 यूक्रेनी और 7 जॉर्जिया और 2 अर्मेनिया मूल के आरोपी हैं। एजेंसी का कहना है कि पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि इन लोगों को इस बारे में पता नहीं था कि हकीकत में ये लोग बम ले जा रहे हैं। जॉर्जिया की सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि इस पूरी साजिश में जॉर्जिया मूल के यूक्रेनी लोग शामिल हैं। इस मामले में एंड्री शेराचिज्जे शामिल है जो जॉर्जिया के तटीय शहर में बुटामी का रहने वाला है। हैरान करने वाली बात यह है कि एंड्री शेराचिज्जे ने 2020 में ओडेशा में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जॉर्जिया में जो विस्फोटक पकड़ा गया है उसमें सैन्य श्रेणी 4 का प्लास्टिक विस्फोटक है और इसे उच्च दक्षता वाले विशेषज्ञों ने बनाया है। जॉर्जिया सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी का कहना है कि इस तरह के उपकरणों को भीड़भाड़ वाले इलाके में लगाने से संभवतः महत्वपूर्ण रूप से ढांचे और बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हो सकता था। हालांकि रूस में ये विस्फोटक पहुंचने से पहले ही जॉर्जिया में पकड़े गए हैं और अब इस पूरे कांड में यूक्रेनी राष्ट्रपति के समर्थक का नाम आना बड़े सवाल उठाता है।